ज्ञान विज्ञान में समासक्त निसर्ग सिद्ध प्रीति प्रवृत्ति से युक्त है, उसका नाम है भारत या भारतवर्ष है। विभाजन के बाद का यह भारत है, इतनी बात तो समझ में आ रही है ना। 14 अगस्त 1947 को विभाजित हुआ भारत पहले, एक दिन बाद रात्रि के 12 बजे इसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई। आज तक किसी दल ने, किसी राजनेता ने इधर ध्यान केंद्रित करके कुछ प्रयास नहीं किया कि विभाजन के बाद के स्वतंत्र भारत को जैसा होना चाहिए था वैसा बनाया जाए। बिल्कुल नहीं बनाया। सैद्धांतिक धरातल पर घोर परतंत्र देश है भारत। हमारी शिक्षा की नीति मेकाले की दी हुई है, कूटनीति है यह। इसके आधार पर नीति अध्यात्महीन शिक्षा पद्धति के आधार पर, देहात्मभाव भावित शिक्षा पद्धति के आधार पर हम सनातन वैदिक चेतना को उज्जीवित रख ही नहीं सकते। हम अपने मस्तिष्क का सर्वांग विकास कर ही नहीं सकते। हमारी रक्षा की प्रणाली ऐसी है कि हम कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकते। कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प हमारे ऐसे हैं कि हम दरिद्रता के कगार पर पहुंचे बिना नहीं रह सकते। सेवा और उद्योग के प्रकल्प भी हमारे अपने नहीं हैं। संविधान की आधारशिला हमारी अपनी नहीं है। स्वतंत्र भारत में 70 वर्ष बीत जाने पर भी हिंदू एक नंबर का नागरिक नहीं, क्या है? सैद्धांतिक धरातल पर परतंत्रता, परतंत्रता, घोर परतंत्रता, इसी उद्देश्य से स्वतंत्रता की प्राप्ति चाहिए थी क्या? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और भारत में सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता राजनीति का पर्याय बन चुकी है। इसके पीछे किसी का दोष नहीं है। दोष है तो क्या है, इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अंग्रेजों की कूटनीति के कारण जिस प्रकार की शिक्षा पद्धति, नीति और अध्यात्म से विहीन भारत को प्राप्त है, उस शिक्षा पद्धति के आधार पर ही जिन व्यक्तियों का हृदय और मस्तिष्क बना है, उस हृदय और मस्तिष्क से युक्त व्यक्तियों के द्वारा संभव ही नहीं है कि भारत को भारत के रूप में उद्भाषित करें या भारत के मौलिक स्वरूप को समझ भी सकें। इसलिए विकास के नाम पर वही मार्ग अपनाया जाता है जिससे हमारे अस्तित्व आदर्श का विलोप होता है। उदाहरण के लिए अंग्रेजों की कूटनीति थी, अरे तुम्हारे पूर्वज जंगली थे, वनवासी थे, उनकी कूटनीति को हमने कूटनीति न समझकर यथार्थ समझा। गांव वाले भागने लगे नगर की ओर, वनवासी वन को छोड़ के भागने लगे नगर की ओर। ठीक, गांव में भी संयुक्त परिवार नहीं रह गया, वन में भी संयुक्त परिवार नहीं रह गया, महानगर में तो संयुक्त परिवार रह ही नहीं सकता है। संयुक्त परिवार विहीनता के कारण सनातन कुल धर्म, जाति धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, कुल परंपरा, कुलाचार, कुल वधू, कुल देवी, कुल देवता, कुल गुरु, सबका लोप हो गया। इनके लोप होने का अर्थ होता है कि मनुष्य को विकास के नाम पर, भारतीय मनुष्यों के संतान को विकास के नाम पर भोजन करने, संतान उत्पन्न करने की मशीन बना के रख दिया गया। इसीलिए भारत को स्वतंत्रता चाहिए थे का, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। सज्जनों, हमारी पहचान क्या है? धीरे धीरे विवाह की प्रथा भी इतनी विकृत की जा रही है विकास के नाम पर कि हम अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा ही नहीं कर सकते। ये भूदंड हैं। किसी विश्वविद्यालय में इनको प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ कि शरीर के किसी अंग या प्रत्यंग पर वार की संभावना हो, टूटने फूटने की चिंता किए बिना यों कर दो। इन भूदंडों में परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध संस्कार है। ये भूदंड परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध संस्कार संवेत हैं। इसका मतलब हमारी पहचान ही विलुप्त हो रही है विकास के नाम पर। हम विकास के पक्षधर हैं। वेदादि शास्त्र के अनुरूप विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। इतना मैंने संकेत किया सज्जनों। साथ ही साथ एक सबसे बड़ी विडंबना है कि घर में संवाद लुप्त हो गया।
आपके यहाँ होता है क्या? प्रतिदिन घर के सदस्य बैठते हैं क्या? बहू और सासू जी में गांठ, पति पत्नी में गांठ, भाई बहन में गांठ, क्या है यार? संवाद का विलोप हो गया। सद्भाव पूर्वक संवाद का विलोप हो जाने के कारण इतनी अनावश्यक दूरी बढ़ गई है कि हम संवेत होकर, संगठित होकर अपने प्रशस्त मान बिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकते। मैं आलोचना की दृष्टि से कुछ नहीं बोलता, वेदना पूर्वक मैं संकेत कर रहा हूं। विश्व स्तर पर मेरा यह विचार प्रसारित होना चाहिए। पूरा विश्व ने देखा कि भारत का लोकतंत्र नष्ट हो चुका है। पार्लियामेंट में, राज्यसभा लोकसभा में सांसदों ने जिस तांडव नृत्य का परिचय दिया, उससे सिद्ध हो गया कि भारत में लोकतंत्र असफल। इसी भावना से इन सांसदों को भेजा जाता है वहां। क्रिकेट के मैदान में जिस प्रकार की गंदगी नहीं होती, उस प्रकार का कोलाहल, हु हल्ला करना, जनता के अस्तित्व आदर्श के साथ खिलवाड़ करना, इन जिनको संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है, संविधान बनाने का अधिकार प्राप्त है, उनका स्तर कितना है? पूरा विश्व ने देखा। इसका मतलब भारत में लोकतंत्र को वर्तमान पार्लियामेंट के सदस्यों ने विफल कर दिया, विश्व स्तर पर सिद्ध कर दिया कि भारत लोकतांत्रिक देश नहीं है। दूसरी बात है, अवसर में कुछ नहीं जानता, मैं ये जानता हूं कि पूरा विश्व देख रहा है। अभी माननीय उच्चतम न्यायालय को लेकर जो बवाल चल रहा है, अगर उच्चतम न्यायालय में भी ये बवाल पत्रकारिता का वातावरण सद्भाव पूर्वक संवाद के बिना कोलाहल, आगे तो हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। यस वर्ष हमारे लिए कितना दुखद रहा है कि पार्लियामेंट ने दिखा दिया कि भारत में लोकतंत्र नामक कोई चीज नहीं। ये सांसद वास्तव में संसद भवन में प्रवेश करने योग्य नहीं। इसी प्रकार से ये सुप्रीम कोर्ट का नंगा नाक सिद्ध कर रहा है कि वास्तव में भारत में न्यायतंत्र भी विलुप्त है। ऐसी स्थिति में सज्जनों, हमारे अनुकूल हमको न्यायतंत्र प्राप्त नहीं, हमारे अनुकूल हमको राजनीतिक दल प्राप्त नहीं, किसके लिए ये सब कोलाहल हो रहा है? विपक्ष का अर्थ यह नहीं होता विरोधी दल। ऐसी स्थिति में सद्भाव पूर्वक सामंजस्य न होने के कारण भारत उपहास का पात्र बन रहा है विश्व स्तर पर। ऐसी स्थिति में जो समझदार महानुभाव हैं, राष्ट्रभक्त हैं, पार्टी और पंथ से ऊपर उठकर भारत के अस्तित्व आदर्श की रक्षा का मार्ग प्रशस्त करें। एक दृष्टांत देता हूं, इन सब के पीछे मूल चीज क्या है? गोवंश सुरक्षित नहीं, सतियां सुरक्षित नहीं, गंगा इत्यादि प्रशस्त मान बिंदु सुरक्षित नहीं, महायंत्रों के प्रचुर आविष्कार और प्रयोग के कारण हर दिव्य वस्तु और हर दिव्य व्यक्ति का विलोप हो रहा है। अंधेरे में विकास के नाम पर बहे जा रहे हैं। कटुता की पराकाष्ठा किसी का मस्तिष्क रूस के द्वारा संचालित होता रहा है और है, किसी का मस्तिष्क चीन के द्वारा संचालित होता रहा है और है, किसी का मस्तिष्क पाकिस्तान के द्वारा संचालित होता रहा है और है, किसी का मस्तिष्क बांग्लादेश के द्वारा संचालित होता रहा है और है, किसी का मस्तिष्क अरब राष्ट्र के द्वारा संचालित होता रहा है और है। भारत के अनुकूल मस्तिष्क का परिचय देकर भारत के उत्कर्ष में सहभागिता का परिचय देना हमारा आपका दायित्व है। लेकिन इस दायित्व के निर्वाह में हम पंगु क्यों हैं? क्योंकि परंपरा प्राप्त गुरुओं का तिरस्कार किया गया है। अंग्रेजों ने एक राजनेता को आध्यात्मिक मनीषी के रूप में ख्यापित किया, अंग्रेजों ने एक राजनेता को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में ख्यापित किया, कई विनोबा जी ख्यापित किए गए, अब दलाई लामा जी ख्यापित किए गए हैं। भारत को भारतीय परंपरा के अनुसार, प्रशस्त परंपरा के अनुसार आध्यात्मिक मनीषी का मार्गदर्शन सुलभ न हो, भारत अपने अस्तित्व आदर्श को उद्भाषित न कर सके, इस विदेशी कूटनीति पर पानी फेरने की आवश्यकता है। तीन चार वाक्य और मैं बोलता हूँ सूत्र रूप में ताकि आपको याद रह सके, ध्यानपूर्वक सुनिए। भारत का उत्कर्ष हमको आपको पसंद है, अवश्य पसंद है, तो विचार करना चाहिए। पहला कदम यह उठाइए कि अंग्रेजों की कूटनीति को अभिशाप समझें, वरदान न समझें। ध्यान गया आपका? अंग्रेजों की कूटनीति को अभिशाप समझें, वरदान न समझें। पहली बात, अंग्रेजों की कूटनीति पर पानी फेरें,
दूसरा कदम यह उठाना है कि आंख मूंछ कर हम विकास को परिभाषित और क्रियान्वित न करें, पाश्चात्य तंत्र का अंधानुकरण छोड़ें। ये दो सावधान रहने की आवश्यकता। तीसरी बात यह है, सनातन परंपरा प्राप्त ज्ञान विज्ञान जिन दो चार मनुष्यों को शेष रह गया है, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें, उनके पास बैठकर भारत को भारत के रूप में उद्भाषित करने का प्रयास करें। एक मिनट और सुन लीजिए, क्योंकि हमें ट्रेन की चिंता है, जाना है, स्नान करना है, पूजन करना है, फिर आगे की ओर प्रस्थान करना है। इस स्वर्ग में, इस कल्प में हमारी जो वंश परंपरा, अगुरु परंपरा की अवधि कितनी हो गई, इस पर विचार कीजिए। श्रीमन नारायण से हमारी वंश परंपरा चलती है, जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं सबकी वंश परंपरा श्रीमन नारायण से चलती है। यहाँ तक कि पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, इन सब का निर्माण भी मूल में श्रीमन नारायण से ही होता है। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव, इस प्रकार गोत्र प्रवर्तक ऋषियों का प्रादुर्भाव कालांतर में होता है। और प्रथम गुरु भी हमारे श्रीमन नारायण हैं। नारायण ही वंश परंपरा के मूल पुरुष हैं और गुरु परंपरा के भी मूल पुरुष हैं। हमारे प्रथम इष्ट श्रीमन नारायण, गुरु भी श्रीमन नारायण और हमारे पूर्वज भी श्रीमन नारायण। इस कल्प में मैं श्रीमन नारायण से गुरु स्थान की दृष्टि से 155वें स्थान पर हूँ। भगवान शंकराचार्य जो शिवावतार ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व अवतीर्ण हुए, वे भगवान श्रीमन नारायण के 10वें स्थान पर, हमारी गद्दी हरिहर की गद्दी है, हमारा स्थान गुरु परंपरा की दृष्टि से 155वां है। भगवान शंकराचार्य के बाद 145वां, श्रीमन नारायण से 155वां। आपकी हमारी गुरु परंपरा वंश परंपरा इस स्वर्ग में 1,97,29,49,118 वर्षों की है। सज्जन समझ गए, सावधान, अजगर की प्रजातियां लुप्त हो जाएं, गिद्ध की प्रजातियां लुप्त हो जाएं। ये क्या है, राजस्थान है ना, अब तो ट्रैक्टर जीप आदि के चपेट में आकर ऊँटों की प्रजातियों को लुप्त कर रहे, गधों की प्रजाति को लुप्त कर रहे, सांड की प्रजाति को लुप्त कर रहे, यंत्र 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 स्थावर प्राणियों की प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। लेकिन थोड़ा विचार कीजिए, 1,97,29,49,118 वर्षों से जो हमको ज्ञान विज्ञान की परंपरा प्राप्त है, उसका विलोप हो जाने पर इससे अधिक क्षति विश्व की कुछ हो सकती है क्या? इधर किसी राजनीतिक दल का ध्यान है क्या? यहां तक षड्यंत्र चल रहा है कि जो किसी राजनीतिक दल का एजेंट नहीं बनेगा, यंत्र नहीं बनेगा, उसको कुचल दिया जाएगा। वे पोप महोदय को कुचलते नहीं, छापित करते हैं, और हम परंपरा प्राप्त आचार्य को कुचलने का प्रयास करते हैं। आज आचार्य चाहिए तो भाजपाई, कांग्रेसी, सपाई, बसपाई, आप अपने कार्यकर्ताओं को संत और शंकराचार्य बना के घुमाओगे, आपका कल्याण कैसे होगा, राष्ट्र का कल्याण कैसे होगा? इसलिए राजनेताओं के व्यामोह को समझकर बुलंद स्वर से विचार करना चाहिए कि भारत के हित में राजनेता कदम उठावे, और न उठावेंगे तो व्यासतंत्र की वो क्षमता होती है, व्यासतंत्र का अधिकार होता है, व्यासतंत्र में वह बल और वेग होता है। अगर शासन तंत्र अपने शोधन का मार्ग नहीं निकालता तो आचार्यों का दायित्व होता है, परंपरा प्राप्त में बल और वेग होता है कि क्या राज शासन तंत्र का शोधन करें। व्यासपीठ को विकृत भी शासन तंत्र के द्वारा किया गया है, और शासन तंत्र तो विकृत होकर रसातल तक पहुंचने की स्थिति में है। इसलिए व्यासपीठ का शोधन हो, शासन तंत्र का शोधन हो, दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य के द्वारा भारत भारत के रूप में पुनः उद्भाषित हो, सकल विश्व में भारत एक आदर्श राष्ट्र के रूप में उद्भाषित हो, इस भावना के साथ प्रवचन को विराम। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, हर हर महादेव। धर्म की, धर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की गोहत्या,
भारत अखंड हो, भारत भारत। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, हर हर महादेव। हम कृतज्ञ हैं गुरुवर, स्वीकारो श्रद्धा चंदन। ये सूत्र आपने जिनसे मिटता मानवता का दुख रंदन, काट रहे हैं ज्ञान कटारी से भव 84 के बंधन। हम कृतज्ञ हैं गुरुवर, स्वीकारो श्रद्धा चंदन। गुरुवर को प्रणाम करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए स्वागत समिति के सम्माननीय सदस्यों को मैं आमंत्रित करूं। उससे पहले जो हमारे यहाँ धर्म प्रेमी जो भी भक्तवृंद यहाँ पधारे हुए हैं, वो नारायण पादुका के दर्शन करने के लिए मंच के सम्मुख जो नारायण पादुका यहाँ विराजित हैं, उनके दर्शनों के लिए वे आमंत्रित हैं। मैं मंच पर अनंत विभूषित श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के अभिनंदन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। श्री मोहनलाल जी गुप्ता हमारे लोकप्रिय विधायक और हमारे स्वागत समिति के सदस्य श्री अनिल जी सारडा, श्री बीपी मुंडड़ा जी, श्री बजरंग जी जाखोटिया, श्री विठल जी चौधरी, श्री राजेश जी धामाणी, श्री गोवर्धन दास जी नोवाल, श्री आई सी अग्रवाल, श्री जगदीश अशोक जी बागला, श्री डीपी खंडेलवाल, श्री जुगल जी डेरेवाला, श्री कालीचरण दास जी कोडिया, श्री केदारमल जी भाला, श्री मदन लाल जी करनानी, श्री नटवरलाल जी सारडा कानावाले, श्री ओम प्रकाश अशोक जी लाहौटी, श्री पी डी गोयल, श्री पवन बजाज, श्री प्रदीप खेतान, श्री राजेंद्र मुंदड़ा, श्री राजेश धामानी, श्री राजेश काबरा, श्री राजू जी मंगोड़ी वाले, श्री राम अवतार जी विजय, श्री रमेश चंद्र जी बाहेती, श्री रमेश मणिहार, श्री राम स्वरूप जी सुधीर जी जाजू, श्री एस एन गुप्ता एस एन जी ग्रुप, श्री सत्यनारायण जी बल्दुआ, श्री सत्यनारायण काबरा जे डी सुपारी, श्री शांतिलाल जी जागेटिया, श्री सुरेश जी अग्रवाल, श्री सुरेश जी कालानी और श्री जसबीर सिंह जी जो राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग राजस्थान सरकार के अध्यक्ष हैं। आप महाराष्ट्र के अभिनंदन हेतु आमंत्रित हैं।